वाली 3500 से साइड वाली 1100 वाली बता रही है वाली। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आपका फिर से मेरे चैनल का स्वागत है। भाई साहब क्या रहे आप दाल मंडी, आपको हमने लोग टाइटल देख कर पता ही चल गया होगा। भाई साहब क्या होता है, इतनी भीषण गर्मी है बनारस भी है क्या। दाल मंडी फेमस से हुई कि दाल मंडी पहले असल में दाल मंडी क्या थी, दाल मंडी आप लोग समझ रहे होंगे कि दाल मंडी उसको बोलते हैं चना वना वगैरह, असल में ये दाल ओ वाली नहीं है। दाल माने वो होता है गुड़िया डॉल होता है जो इंग्लिश में उसका होता है। क्योंकि हम दाल मंडी में इंटर कर चुके हैं, दाल मंडी का मतलब होता है डॉल इंग्लिश में होता है जो होता है डॉल, अंग्रेजों के ज़माने से ये मंडी है। पूरे पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है। इसमें सिर्फ ऑटोमोबाइल वगैरह छोड़ के, कार वगैरह का छोड़ के सारी चीज़ें मिल जाएगी। आप इसमें 100 रुपये लेकर आएंगे तो बचा लेंगे और 1 लाख रुपये ले जाएंगे भी कम पड़ जाएगा। क्या मिला ढाबा कोई है, वेज नॉन वेज ढाबा तेल लस्सी देखने को मिला है। तो यही भाई साहब देख रहे हो, यही दाल मंडी है, सारी चीज़ें मिलती है खाने पीने की। किधर चले जाओ देख लो भाई, बड़ी वाली 3500 से साइड वाली 1100 वाली बता रही है, ये वाली जो बड़ी छोटी है ये वाली ने पूछा है। बहुत महंगा यार, मेरे को तो इस मार्केट में कुछ खास लगा नहीं, जो मार्केट होती है वही मार्केट है, बस इसमें थोड़ा सा वो है कि लंबी मार्केट है, बस इतना जमा नहीं मेरे को। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं कैसी लगी। दाल मंडी से वापस आते हुए उतनी मुझे जमी नहीं, बस नाम था तो अच्छा चले गए, इतना कुछ खास नहीं मुझे दिखा। वही मार्केट थी बस, थोड़ा सा गली में अंदर थी पति तो लंबी दूरी थी, फेमस है। बताया जा रहा है कि पूर्वांचल सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ पे बाइक कार बाइक के छोड़कर सब कुछ मिलता है। जैसे कि वहाँ पे डॉल मैंने गुड़िया मैंने पहले बताया था, अब निकल गए अच्छा लगा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बस थैंक यू फॉर वॉचिंग।